वेलकम टू इंडियन तड़का। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पालक मटर की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी जिसे आप हर बार बना करके खाना पसंद करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको पालक लेनी है, उसे आपको अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरह से इसके डंठल हटा करके पत्तों को कट कर लेना है। और ध्यान रहे, आपको पालक को कट करने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि कट करने के बाद अगर आप इसे वॉश करेंगे तो आपकी पालक की सब्जी कड़वी बनेगी। तो इस तरह से आपको पूरी पालक कट करके तैयार कर लेनी है। क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बंडल पालक का लिया है, लगभग हाफ के जी के करीब है। अब हम इसके लिए मसालों का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगी और 1 चम्मच मैं यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जिसका इस सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को हम सभी मसालों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे एक अच्छा मसालों का पेस्ट बन जाए और मसालों में एक अच्छा टेक्सचर आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं, ये मसालों का पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रख देते हैं और दूसरी तरफ हमने पालक भी सभी पालक कट करके तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। इसके लिए गैस पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कच्ची घनी सरसों का तेल। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और जब आपका तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाता है तब आपको इसमें ऐड करना है 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरे के साथ ही ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। जब बीच बीच में ये इस तरह का बारीक लहसुन आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो आपको लहसुन को हल्का क्रिस्पी कर लेना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है और जब आपका लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब आपको इसमें ऐड करना है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। प्याज को हम हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे और जब आपके प्याज जो हैं वो हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाएं, हल्के भून जाए, तब आपको इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप कम हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्च ऐड करने के तुरंत साथ ही आपको इसमें ऐड कर लेना है जो हमने पहले मसालों का पेस्ट बना करके तैयार किया था, वो मसालों का पेस्ट आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो अब हम इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए कुछ देर तक भून लेंगे। मसालों को कुछ देर तक खुला भूनने के बाद अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। इसके लिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लिड को इस तरह से कवर करके लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक सभी मसाले एकदम अच्छे से पक ना जाए और मसाले तेल ना छोड़ दे। तो कुछ देर के बाद जब आप इसे चेक करेंगे, लगभग 2 मिनट के बाद, तब आप देखेंगे सभी मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ है। टमाटर ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक और टमाटर को हम सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाउल मटर। मटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आपको जब भी सीजन वाइज आपको मटर मिलती है तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मटर को हम इन सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपको इसे कुछ देर के लिए ढक करके पका लेना है, लगभग 1 मिनट के लिए। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे जो मटर है वो भी हल्के सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब आपको इसमें ऐड कर लेनी है पालक, जिसे आपने चॉप करके रखा हुआ है, वो पालक आपको इसमें ऐड कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 1/2 kg पालक का यूज़ किया है। पालक को एकदम अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इस पालक को इस मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको ये फूली फूली लग रही होगी, लेकिन हरी सब्जी जो ये पालक है वो कुछ देर में अपना मॉइस्चर छोड़ देगी और एकदम अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो जाएगी। पालक ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे ढक करके पका लेते हैं और 2 मिनट के बाद जब आप इसे लिड हटाएंगे तो आप देखेंगे पालक ने अपना सारा मॉइस्चर छोड़ दिया है और पालक कितनी बैठ गई है। तो अब आपको इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। पालक डालने के बाद इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, क्योंकि हमने सब्जी जो को पहले से पका रखा है।
तो अब हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, खुला ही पका लेंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो पानी बना है पालक का मॉइस्चर निकल करके, वो सूख भी जाएगा और पालक की सब्जी भी एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगी। पालक में सभी मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा। अगर आप थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी चाहते हैं तो आप इसमें पानी डालकर इसकी थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं, और अगर आप सूखी सब्जी चाहते हैं तो इस तरह से इसे थोड़ा खुला पका लें, जिससे इसका जो सारा मॉइस्चर है वो हवा में उड़ जाएगा और एकदम सूखी सूखी सब्जी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाई गई सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ मैंने इसे बनाया है और एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, जिसे आप घर पर आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो जब आपकी सब्जी एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है, तब आपको इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए दोस्तों, ये गर्मा गर्म मटर पालक की सब्जी हमने बना करके तैयार कर ली है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, साथ ही ये हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। साथ ही ये आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपको इसे अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और जब जब आपके पास पालक अवेलेबल है तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए, और इस तरह से अगर आप सब्जी बना करके खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ।